शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच जो आप लोग शो में शरीक होते रहे। वो बिरवा लगा, धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसमें फल आए, सबने चखे, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आना हुआ सर आपका? दिल्ली से। क्या नाम है आपका? पुनीत बत्रा। पुनीत बत्रा, सामयिक, बीइंग विद द टाइम, 20 मई 2023 डेलीगेट, बहुत अच्छा। तो ये क्या है सर? जी एक एसोसिएशन है जो IFA इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए काम करती है। किसके लिए? इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए। फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए, तो जी उसका सेशन था हमारा एसोसिएशन का, तो वो अटेंड करके। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छे समय पे आए हैं आप, और मैं आपको देख के रुक गया। मैं आपको देख के रुक गया। ना, ये गलत फहमी तो जीवन में पाली ही नहीं मैंने। मैंने ये माना कि इस रस्सी के पीछे जो खड़ा है वो साधारण नहीं है, असाधारण है। मैंने हमेशा कहा कि कपड़ों से तो पहचानने की गलती करिएगा ही नहीं इस शो में, कौन कब कहां ज्ञान दे जाए भरोसा नहीं है। और ये मैंने आपके लिए कहा कि कौन कब कहां। तो 2000 की जो बंदी, बंदी जिंदा मतलब सितंबर के बाद चलन में बंद होगा, लीगल टेंडर तो रहेगा लेकिन चलन में बंद रहेगा। कुछ चर्चा हुई वहां पे क्या, या नहीं थी वो चर्चा का विषय? नहीं था, इतना समय नहीं था, उतना समय नहीं था। लेकिन आप क्या बताते हैं, कुछ पॉजिटिव था लोगों की? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। और पॉजिटिव किस सेंस में है? पॉजिटिव की जैसे डिमोटिवेशन किया, अगर गर्लफ्रेंड ना हो तो बंद कर लो इसको। घर से बोले झूठ बहुत बोलते हैं लोग। क्या कौन है? बहन है। अरे तो बात कर लो जल्दी से, कहो गर्लफ्रेंड होती तो तुम ना बंद करते कदा ही। जी डिमोटिवेशन की बात की गई थी, डिमोटिवेशन जिस पर्पस के लाया गया था वैसा ही पर्पस, उसी की एक्सटेंशन मानी जाएगी इसको। उसी को एक्सटेंशन मानी जाएगी, 2000 का जो चलन बंद हुआ है उसी का एक्सटेंशन माना जाएगा, और काले धन को एक उसके ऊपर लगाम लगेगी तो ये बेहतर होगा। जी कहाँ से आना हुआ साहब? सर दिल्ली से ही आना हुआ। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है सचिन सिंघल। सचिन सिंघल, क्या काम करते हैं साहब? सर मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में। कोई बात, कोई मुद्दा, कोई चीज सोसाइटी में जो किसको कहना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपको अखरता है लेकिन कह नहीं पाए, कभी मन था नहीं बोल पाए, मैं आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। जी सर मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक जैसे टैक्स पेयर हूँ, मतलब जो भी हम कमाते हैं प्रॉपरली टैक्स पे करते हैं, तो मिडिल क्लास वालों के लिए मतलब कुछ सरकार ऐसा सोच नहीं रही है कि हम लोग भी किसी परेशानी में हैं, कि कुछ ऐसा हमारे बारे में सोचे। सिंगल साहब 24 का चुनाव नजदीक है, प्रेशर तो आपने डाल ही दिया है, और यही मिडिल क्लास है जो सब कुमारा सारा खेल करता है। मैं आता हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से? मैं चंडीगढ़ का नाम भूल ही गया था, मैं भूल ही नहीं पा रहा था चंडीगढ़। और मैंने पंजाब का जब टूर किया था मुझे समझ में आया कि पंजाब कितना प्रेम करता है। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? रक्षिता। रक्षिता क्या कर रही हैं आप? अभी BA ऑनर्स कर रही हैं। कुछ लगता है, कुछ बोलना है, कुछ कहना है, कोई बात है, कोई दिमाग में कोई बात है, कोई कह सकते हैं, कोई शेयर कर सकते हैं कोई चीज? वॉन्ट टू से सोसाइटी में ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए? अभी तो कुछ नहीं आ रहा है बेटा, आई गेस। तुम सोचो, मैं सेकंड्स में आया। जनाब आली जनाब, उन्होंने कहा कि एक मकसद है वो काले धन के ऊपर एक लगाम, और वही एक्सटेंशन है जो 2000 का नोट जो है चलन से, शब्द इस्तेमाल किया है चलन से बंद किया गया है। मैंने ये नहीं कहा नोटबंदी है। जी जी प्रतीक जी, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जरा, हमारे राइट साइड में कुछ हमारे भाई बंधु हैं, थोड़ा जो है शांति देंगे तो उनको नहीं, ये सब शांत रहेंगे। देखिए आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वो मैं क्यों नोटबंदी की आवश्यकता क्यों थी वो भी जानने की आवश्यकता है। मैं थोड़ा आपको इसकी क्रोनोलॉजी समझाता हूँ। जो 2008 से और 2014 के बीच में सबसे बुरा दौर रहा है अर्थव्यवस्था का, सबको ध्यान देने की जरूरत है। वो क्यों मैं कह रहा हूं, और ऑन अकाउंट कह रहा हूं और तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं, क्योंकि आजादी के बाद से लेकर 2008 तक जो लोन्स का डिस्पर्सल था बैंक्स के द्वारा वो लगभग 18.5 लाख करोड़ का था, और 2008 से लेकर 2014 के बीच में जो लोन्स का डिस्पर्सल था उसकी सीमा 52.5 लाख करोड़ कर दी जाती है। आप समझिए कहां 60 साल में 18.5 लाख करोड़ और 6 वर्ष में आपका 52.5 लाख करोड़। ऐसी स्थिति पैदा होने के बाद बैंक्स के सामने जो है कैश क्रंच इतना ज्यादा बढ़ गया था कि यदि सरकार व्हाइट नोट लेके सामने आ जाती तो कोई भी इन्वेस्ट करने को भारत में तैयार नहीं होता। जो ऐसी स्थिति में क्या था, बैंक्स को आपने मर्ज किया, जो तमाम जो समूह के अलग अलग बैंक्स है उनको मर्ज करना, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बैंक्स घाटे में चल रहे थे। दूसरी तरफ RBI की 2010 में रिपोर्ट थी, 7.62 लाख करेंसी के नोट्स, नकली नोट्स चलन में थे, जो 2016 में आते आते 6.3 लाख नकली नोट चलन में थे। तो नकली, मैं कहने का मतलब एक पैरेलल जो है अर्थव्यवस्था मूव हो रही थी, इस पर लगाम लगाने के लिए
अगर जिस तरह से आज जो है लीगल टेंडर रखते हुए समय रहते हैं, ये प्रक्रिया है, ये हर 5 साल में या 10 साल में होनी चाहिए, लेकिन उस समय ऐसा नहीं कर सकते थे। कारण क्या था, पैरेलल जो अर्थव्यवस्था है वो चल रही थी, तो इसलिए सरकार को मजबूरी में और रातों रात इस तरह का कदम उठाना पड़ा कि उस समय जो दो ही बड़े करेंसी थी 500,000 की, उनको इमीडिएट बंद करना। उससे क्या हुआ कि लगभग 16 लाख करोड़ का जो करेंसी थी वो लगभग 99%, ये ऑफिशियल डेटा है जो पार्लियामेंट के अंदर जो वापस आ गया, यानी उसमें कमी रही 16,000 करोड़ की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि काला धन या सफेद धन नाम की कोई चीज नहीं होती। होता क्या है, टैक्स पेड बनी और नॉन टैक्स पेड बनी। कोई भी, अरे रुकिए, हंसने का विषय नहीं है भाई, कोई भी नोट जब छप जाता है पहली बार, छपने के बाद जो है मान लीजिए हमने बैंक में जमा कर दिया, ध्यान देने की जरूरत है, उसके बाद हम पहली बार हम उसको विड्रॉल करते हैं, उसके बाद जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन में उसको जब हम टैक्स के उसमें दायरे में नहीं लाते हैं, तब जो है सरकार को राजस्व की नुकसान होता है। तो इसलिए सरकार की प्राथमिकता यह थी कि लोगों को डिजिटल पेमेंट की तरफ जो बढ़ावा देना, उनको उसका जो है बढ़ावा देना, उनको यूज टू करना, और जिसकी दिशा में ही जो है अब ये 2000 का जो नोट जो बंद करने का प्रयास है, ये बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी।